हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 468, कितना है 468। क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले यहाँ पे संख्या कितनी है 468। अब इसमें इकाई के अंक को देखना है, यहाँ पे क्या है 8। 8 क्या है? सम है। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। हमें इकाई का अंक को ध्यान रखना है, 0, 2, 4, 6, 8। कितना? 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो उसमें 2 का भाग जरूर जरूर जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। फिर इकाई का अंक क्या है? 4। 4 क्या है? सम। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कितने बच गए? सेसफल 1 उतारेंगे, 4, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14। अब 7 × 1 = 8, अब इसमें इकाई का अंक कितना है? 7। इकाई का अंक कितना है? 7। 7 सम है या विषम है? विषम है। अब इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है, इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है? 7। अब 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। अब इसमें 3 का भाग देंगे। अब 3 का भाग देने की एक की शानदार ट्रिक है, हमें क्या करना है? इनकी संख्या के अंकों का योग करना है। अंक कितने हैं? 1, 1, 7। संख्या कितनी हो गई? 117। अंक कितने हो गए? 1, 1, 7। इन अंकों का योग करेंगे, 1 + 1 + 7, 7 × 8 = 9। कितना हो गया अंकों का योग? 9। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 × 3 = 9, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जरूर जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 का भाग देंगे, 3 × 3 = 9। शेषफल कितने बच गए? 2। उतारेंगे कितने? 7। हो गए कितने? 27। 3 × 9 = 27। फिर इसमें 9 × 3 = 12, उसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, 3 × 3 = 9। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंकों का योग किनारा 4, 4 में भाग नहीं जाता 3 का। अब इसमें किसका जाएगा? केवल 13 का ही जाएगा, 13 × 13। अब इसको किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है, 2 × 2 × 3 × 3 × 13। 2 × 2 = 3 × 2 × 13। अब इनको गुणा करेंगे, जो गुणा की हुई संख्या इस संख्या के बराबर में आ जाए तो अपना गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। 36 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 को किससे गुणा करेंगे? 13 से। 13 × 6 = 78, 7 13 × 3 = 39, 39 × 7 = 46। कितना हुआ? 468। और हमारी संख्या भी कितनी थी? 468। हमारी संख्या भी कितनी है? 468। तो अपना अभाज्य गुणनखंड सही है। अब अगला है, अगली संख्या है 945। 945 है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 क्या है? विषम है। अब इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने के लिए मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, 3 का योग करना है, 9 × 4 = 13, 13 × 5 = 18। इसमें 3 का भाग जरूर जाएगा, 18 में 3 का भाग जाता है कितनी बार में? 6 बार में, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जरूर जाएगा। 3 × 9 = 3 × 3, कितने से सफल बच गए? 1 उतारेंगे, 5 हो गए कितने? 15, 3 × 5 = 15 हो गए। फिर अब इसमें 5 × 6 = 3 × 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 × 3। अब इसमें 1 उतारेंगे, 1 में भाग नहीं आता है, फिर उतारेंगे, 5 हो गए कितने? 15, भाग टूट गई 0, उतारेंगे 15, हो गए कितने? 15, 3 × 5 = 15। अब अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 0 को लिखते नहीं है, डायरेक्ट 15 कर देते, तो 15 से 45, यहाँ पे तो संख्या है 315। हमें
एक अंक में भाग चला जाए उतारने के बाद, तब तो ठीक है, तब तो जीरो नहीं लिखेंगे। यदि एक अंक उतारने के बाद संख्या में भाग नहीं जा रहा है और अगला अंक और उतार रहे, एक अंक के अलावा दूसरा अंक उतार रहे, तब वहां पे भाग टूट गई, शून्य लिखना है। अब इसमें 5 और 1 6 जाएगा, 3 का भाग, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब कितना शेष बच गया यहाँ पे, एक, यहाँ उतारेंगे 5, हो गए कितने 15, 3 5 15, समझ में आ गई। अब यहाँ पे कितना है 35, 5 और 3 8, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का देंगे, 5 7 35, 7 एकम 60। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 की पावर कितनी है, 3 गुणा 5 गुणा 7। ये दोनों एक ही बात है, मैंने इसमें अलग अलग है, इसमें घात के रूप में है, इसमें भी वही है, 3 तिया 9 9 27, कितना 27, और 27 पंजे 27 27, 27 54, 27 81, 27 64, 17 27 85। सॉरी सॉरी, 3 तिया 9 9 3 तिया 9 9 27, 27 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 7 35 से, 35 से गुणा कर लो, 7 5 35, 7 6 3, 5 2 10 10 3 13, 3 3 7 21, 7 6 2, और 3 2 6 6 2 8, 5 4 9, 945 आ गए। और हमें पावड़े मैथ के अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट है पावड़े, यदि स्टूडेंट को पावड़े अच्छे से याद आ गए, अच्छे से याद हो गए ना, तो मैथ आसानी से वो निकाल सकता है। यहाँ पे कितना है 945, मैथ के अंदर कैलकुलेशन होनी चाहिए। दो क्वेश्चन कंप्लीट, अगला क्वेश्चन, एक सौ चालीस 140 में एकाएक अंक क्या है, 0, तो 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 2 7 14 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6 2 5 10, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 5 का, 5 7 35, 7 एकम 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 2 4 4 5 20, 20 7 140। अब इसको घात के लो, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, बिल्कुल सरल है गुणनखंड। फिर अगली संख्या है कितनी, 3825, 3825, उसमें भाग देंगे सबसे पहले। अब इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक कितना है 5, 5 क्या है विषम, विषम में 2 का भाग जाता नहीं है। अब 3 का भाग देखते हैं, 3 और 8 11, 11 8 2 13, 13 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी इस संख्या में भी 3 का भाग जरूर जाएगा। 3 का 3 एकम 3, 3 2 6 कितने शेष बच गए, 2 उतारेंगे, 2 हो गए कितने 22, 3 7 21, और 3 7 21 1, 3 5 15, फिर 5 7 12, 12 2 14 1 15, योग कितना हो रहा है 15, 15 में 3 का भाग जाएगा, तो इसमें भी जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग जरूर जाएगा। 3 चौके 12, 3 चौक 12, और पूरा पूरा जा रहा है, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 और 2 7, 7 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर देंगे 5 का, 5 अंटे 40, कितने बच गए 2 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, कितने बच गए शेषफल 3, उतारेंगे 5 हो गए कितने 35 17, पचम 25, और पचम 25 और 9
25 को 9 से गुणा करेंगे, 25 225, कितना 25 225, उसको 17 से गुणा करेंगे, 17 5 85, हासिल 8, 17 2 34, 34 और 8 42, हासिल 4, 17 2 34, 34 4 38। देखो मैंने बताया था इनको गुणा कर लो, जो संख्या आ रही है इसके बराबर आ जाए तो अपना गुणनखंड सही है, यदि बराबर नहीं आए तो अपना गुणनखंड गलत है। तो इसको 3 × 3 × 5 × 5 × 17 कितना हुआ, 3825, 3 की घात 2, 5 की घात 2 × 17 बराबर 3825। अगला क्वेश्चन है, बीस हजार पाँच सौ सत्तर कितना है, 20,570। अब 2 का भाग देंगे, यहाँ पे क्या है इकाई का अंक क्या है, 0, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 2 = 4, कितना से समझ गए, 1 उतारेंगे 7, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें भाग देंगे हम 3 का, देखते 8 × 5 = 13, 13 × 2 = 15 = 16, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें देंगे भाग 5 का, 5 × 2 = 10, पूरा पूरा चला गया, उतारेंगे 2, 2 में नहीं जा रहा है, फिर उतारेंगे 8, भाग टूट गई 0, 5 × 25 कितने बच गए, 3, 5 × 7 = 35। अब इसमें 7 × 5 = 12, 2 × 14, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7, 7 का भी नहीं जाएगा, अब 7 × 5 = 12, 12 × 2 = 14, 11 × 11, अब इसमें 11 का भाग देते, 11 × 1 = 11, कितने बच गए, 9, कितने बच गए, 9, उतारेंगे 5, हो गए कितने, 95, 11 × 8 = 88, कितने से समझ गए, 7, उतारेंगे 7, हो गए कितने, 77, 11 × 7 = 77, फिर 11 का जाएगा, 11 × 11 = 11, 11 × 7 = 77, फिर 17 का जाएगा। अब देखो 11 का वर्ग कितना होता है, 121, कैसे गुणा करना है इसको, 5 × 2 = 10, 10 को 17 से गुणा किया तो कितना आया, 170। अब 170 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहले 0 लगा दो, पहले 0 लगा दो, अब 17 से गुणा कर दो, 17 × 1 = 17, हासिल 1, 17 × 2 = 34, 34 × 1 = 35, हासिल 3, 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 20, हो गया। हमें माइंड से गुणा करना है, देखो अभी गुणा करते तो बहुत टाइम लगता है, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, 121 को 10, 5 × 2 = 10, 10 को 17 से गुणा किया तो कितना है, 170, 170 को 121 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20,570। 2 × 5 × 11 × 11 × 17 बराबर 20,570। अब इसको 2 × 5 × 11 = 2 × 17 = 20,570। ये हमारे वे पहले क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मैस को इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ और लसए को बोलते हैं एलसीएम, ज्ञात करना में और सत्यापित करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होता है, पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर। अब इसमें हमें 2 चीज़ निकालनी है, सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद में हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और पूर्णांकों का गुणनफल दोनों बराबर है या नहीं है। अब इसमें पहला है 96, दूसरी संख्या है कितनी, 104। अब दोनों का पहले अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे,
दो का भाग देंगे यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे 3 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। अब ऐसे ही इसमें निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 5, 2, फिर 2 का भाग देंगे 26, फिर 2 का भाग देंगे 13, फिर 13 का भाग देंगे। समझ में आ गई? अब इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 गुणा 3, 2 की घात कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5 गुणा 10 की घात 1। अब इसमें है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, 2 की घात कितनी है, 3 और 13, 1। अब इसमें क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ। एचसीएफ में हमें लेना है न्यूनतम घात, क्या लेना है, न्यूनतम घात। अब इसमें न्यूनतम घात कितनी है, अब इसमें न्यूनतम घात कितनी है, 2 की घात 5 है और यहाँ पे 2 की घात 3 है और वहाँ पे 3 की घात 1 है, 13 की घात दोनों में होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो अब इसमें एचसीएफ बराबर, सॉरी यहाँ पे संख्या 404 है, कितना है, 404 है यहाँ पे, 404। इसको दोबारा से करते हैं हम, 2 दुनी 4, 0, 2 दुनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 1, कितना हुआ, 101। अब 101 में किसका आएगा, न 1 2, इसमें भाग 3 का भी नहीं जाएगा, किसी के भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा डायरेक्ट 101 का भाग देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 101। अब इसमें एलसीएम, पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में लेते हैं अधिकतम घात, हमें याद रखना है एलसीएम में लेना है अधिकतम घात और एचसीएम में लेना है न्यूनतम घात। एलसीएम में अधिकतम घात 2 की घात कितनी है, 5 गुणा 3 गुणा 101। एलसीएम में लेते हैं अधिकतम घात और एचसीएम में लेते हैं न्यूनतम घात, 2 की घात कितनी है, 5। अब 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, कितना हुआ, 32 गुणा 3 गुणा 101, 32 96, 96 को किससे गुणा करेंगे, 101 से, 96 एकम 96, हाँ 96 का 96 उतर जाएगा क्योंकि आगे 0 है, 96 का एकम 96। इसका एलसीएम तो कितना आया, 9696। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे। अब मैंने बताया था आपको कि एचसीएफ में क्या लेते हैं, न्यूनतम घात। अब इसमें न्यूनतम घात लेंगे, यहाँ पे कितनी है, 2 की घात कितनी है, 5, यहाँ पे क्या आता है, 2 की घात 2, न्यूनतम घात लेने में 2 की घात 2। अब इसमें 3 की घात 1 है, इसमें नहीं है, हमें नहीं लेंगे, दोनों में होना ज़रूरी है और न्यूनतम घात लेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल 2 ही है दोनों में, तो यहाँ पे 2 दुनी 4, तो इसका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। एलसीएम कितना आया, 9696 गुणा 4 और पूर्णांक गुणनफल कितना है, 96 गुणा 404। अब इसको गुणा करेंगे, 4 छक्का 24 हासिल 2, 4 नाम 36, 36 36 और 2 38 हासिल 3,
चार छः चौबीस, चौबीस तीन सत्ताईस, हासिल दो, चार नाम छत्तीस, छत्तीस दो अड़तीस, 38,784। ऐसे ही इसको गुणा करेंगे, 404 को किससे, 96 से, छः चौका चौबीस, नौ चौक छत्तीस, 4, 8, 7, 8, 3, इसका भी कितना आ रहा है, 38,784। अब दोनों का एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल और पूर्णांकों का गुणनफल क्या दोनों बराबर आ जाए तो अपना ये क्या है, सही है, नहीं तो गलत है, सत्यापित करना है। बराबर आ गया, हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। पहली संख्या है 336 और फिर है 54। सबसे पहले हम इसमें इकाई का अंक कितना है, 6, तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, कितने बच गए, 1 उतारेंगे, 3 हो गए 13, 2 छक्के 12, 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, 2 चौके 8। फिर इसमें इकाई का अंक क्या रहा है, 4, 4 क्या है, सम, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 का 7 और 1, 2 की घात कितनी है, 1, 2, 3 और 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब ऐसे ही इसमें करना है 54 में, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, फिर कितना है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 7, 7 क्या है, विषम, विषम में 2 का भाग नहीं आता है। फिर इसमें 3 का भाग देने की ट्रिक बताया था मैंने आपको, इनके अंकों का योग कर लो, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जरूर जाएगा, 3 नाम 27, 3 3 9 3 1, यहाँ पे 2 गुणा 3 की घात कितनी है, 3। अब सबसे पहले हम एलसीएम, अब मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में लेते हैं अधिकतम घात, एलसीएम में लेते हैं अधिकतम घात, 2 की घात कितनी है, 4, फिर है 3 की घात कितनी है, 3, और 7 की घात 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 3 9 9 27 गुणा 7, 16 गुणा 7 को 27 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 4, 7 2 14, 14 4 18, 16 नाम 144, 14, 16 अंटे 128, 128 और 14 8 4 12, 142 हासिल कितने हो गए, 14, 16 एकम 16, 16 14 30, कितना हुआ, 3024। अब इसका एलसीएफ निकालेंगे, एलसीएफ कैसे निकालते मैंने आपको बताया था, यहाँ पे न्यूनतम घात लेना है और दोनों में होना जरूरी है एलसीएफ। अब इसमें 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, अब यहाँ पे न्यूनतम घात कितनी आएगी, 2, फिर है 3 की घात कितनी, इसमें 1 है, इसमें 3 है, यहाँ पे 3 की घात 1, 7 उसमें है, इसमें नहीं है, इसमें लेंगे नहीं, एलसीएम में ले सकते हैं अपन, जरूर लेंगे इसमें। अब इसको गुणा करेंगे, 2 3 6, इसका एलसीएम कितना आया, 6, एलसीएम तो कितना है इसका, 3024 गुणा एलसीएम कितना आया, 6, और पूर्णांकों गुणनफल 336 गुणा 54, इसको गुणा करेंगे, 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 3 चौके 18, कितना आया, 18,144। अब किसको गुणा करेंगे, 336 को 54 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 हासिल 1, 4 3 12 और 12 1 13, 5 का 30 हासिल 3, 5 3 15, 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 और 8 3 11 से 1 6 6 1 7 1 8 1,
18,144। अब दोनों बराबर आ गए तो अपना सही है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, 18,144। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलेगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 90 और 144। तो सबसे पहले हम 90 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी 2 का भाग देते तब संख्या का आधा कर लो, 90 का आधा कितना होता है 45। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5, 5 क्या है विषम। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 3 5 और 1, 2 × 3 की घात 2 गुणा 5, ऐसे इसमें 2 का भाग देंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 3 और 1, 2 की घात कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 3 की घात कितनी है 2, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 3 = 48 और 48 × 3 = 144। अब इसमें एलसीएम में मैंने आपको बताया था एलसीएम में क्या करना है, हमें लेना है अधिकतम घात। यहाँ पे कितनी है 2 की घात 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 की घात 4, तो अब दोनों में से कौन सी लेंगे, 2 की घात 4, फिर है 3 की घात 2 है वहाँ उस पहले वाले गुणनखंड में, और यहाँ पे कितनी है 2, दोनों बराबर है तो कोई सी भी ले सकते, 3 की घात 2। अब उसमें 5 है इसमें नहीं है, हम एलसीएम में तो लेंगे इसको और एचसीएफ में नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम में दोनों दोनों पक्ष में होना जरूरी है, एलसीएम में तो चाहे एक साइड ही रहे तो चलेगा। अब 2 की घात 4, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 2 = 16, 3 × 3 = 9 और 5 × 16 = 144, 144 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 5 × 20 हासिल 2, 5 × 20 = 2, 22 हासिल 2, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 7, 720। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते मैंने आपको बताया था, 2 न्यूनतम घात लेंगे, यहाँ पे 2 की घात कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अब यहाँ पे 3 की घात 2 है, वहाँ पे कितनी है 1, वहाँ पर भी 2 है और 5 उसमें है इसमें नहीं है तो इसमें आएगा नहीं। अब इसको गुणा करेंगे, 3 की घात 2, 3 × 3 = 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, 720। तो क्या आया एलसीएम और एचसीएफ कितना आया 18 और पूर्णांक कितने थे 90 × 144। अब 18 को गुणा करेंगे, पहले 0 उतारेंगे, 8 × 2 = 36 हासिल 3 और 18 × 7 = 126, 126 + 3 = 129। अब इसको 90 को किससे गुणा करेंगे 140 से। अब देखो इसमें पहले इसमें कितनी 0 है, 1 इसमें है 1 इसमें, तो 2 0 लिख दो पहले। अब 9 से गुणा कर दो, 144 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 0 कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगी। अब 9 से गुणा करना है, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 चौक 36 36 = 3 39 हासिल 3, 9 एकम 9 9 4 9 सॉरी 9 एकम 9 9 3 12, 12,960। इस इधर भी कितना आ रहा है 12,960 और इधर भी कितना आ रहा है 12,960। अपना एलसीएम और एचसीएफ क्या है सही है। हमारे आज क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के, यानी फर्स्ट के तो 6 और सेकंड के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।